रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय सलामी ले रहे हैं क्योंकि इसके बाद उन्हें कर्तव्य पथ पर पहुंचना है। ये तस्वीर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की है और वो इस समय झंडे को सलामी देने के लिए मौजूद हैं। साथ ही जो सुरक्षाकर्मी वहां पर तैनात हैं वो भी जो है इस समय सलामी देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पहले अलग अलग जगह से जो नेताओं की तस्वीरें हैं, पार्टी मुख्यालयों की तस्वीरें हैं, वो भी सामने आई थी। दीपक जी, जेपी नड्डा ने बीजेपी मुख्यालय के अंदर में किया जो वहां झंडा वंदन है और उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये तस्वीर। सर तो अपने घर के ऊपर घर पे झंडा वंदन कर रहे हैं इस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी पहुंचना है वहां पर, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पे पहुंचना है। प्रधानमंत्री थोड़ी देर बाद वहां पहुंचने वाले हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और साथ ही ये तस्वीरें किस तरीके से फ्लाईपास्ट की तैयारी हो रही है, किस तरीके से पायलट कॉकपिट से अब अपना वीडियो भेज पाते हैं। दीपक जी, जब इस समय फ्लाईपास्ट होता है तो ऑडियो भी आप सुन पाते हैं और बाकायदा कमेंट्री बॉक्स से इस तरीके से इंटीग्रेटेड होता है कि वहां पर पायलट जो आपस में बातचीत कर रहे हैं वो भी कुछ देर के लिए सुनवाई जाती है। तो वो अपने आप में बड़ा रोमांचक होता है कि पायलट्स जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, जो फॉर्मेशन हो रहा होता है उसके लिए जो कोऑर्डिनेशन है वो बताया जाता है। जब आप इतनी स्पीड से चलने वाले एयरक्राफ्ट के कॉकपिट में होते हैं, कैसा लगता है स्क्वाड्रन? बहुत ही डिफिकल्ट फेज होता है, लेकिन जो पायलट होता है उसके लिए एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक सेकेंड्स के कई भाग में वो कई चीज़ें एक साथ सोच सकता है। और एज अ एयरफोर्स ऑफिसर मैंने कई बार ऐसे एयर शोज़ में कमेंट्री की है और इन जहाज़ों की ऐसे एयर शोज़ में कमेंट्री करना, उसमें कमेंटेटर के तौर पे भी आपके पास और कम टाइम होता है क्योंकि आपको जनता को बताना होता है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर समस्त देशवासियों को मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देश दिया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और अपने घर पे झंडा वंदन किया। वहां जो सुरक्षाकर्मी तैनात हैं उन्होंने भी झंडे को सलामी दी और राष्ट्र ध्वज का ये सम्मान। और इसके साथ ही ये तस्वीरें कुछ ही देर बाद कर्तव्य पथ पर जो तस्वीरें आपको नजर आएंगी उसमें खास तस्वीर जो होगी वो ये भी देखना होगा दीपक जी, जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि जो पोशाक है, प्रधानमंत्री मोदी अपनी पोशाक पर काफी ध्यान देते हैं और उनका जो साफा होता है वो हर बार चर्चा का विषय बनता है क्योंकि नई तरह की वेशभूषा में वो हर बार नजर आते हैं। तो देखिए 2015 के अंदर वो किस तरीके का साफा पहनकर आए थे, 2016 में कौन सा पहना, 2017 में और किस तरीके से अलग अलग रंग के अंदर। और पता है आपको कर्तव्य पथ पर इस बार एक बड़ी खास तस्वीर भी नजर आने वाली है और वो होगी भारत के टेक्सटाइल की, भारत की जो साड़ियां हैं, अलग अलग देश के अंदर कितने तरह का परिधान पहना जाता है, जो टेक्सटाइल है वो बहुत बड़ा रोजगार का क्षेत्र भी है और इसलिए टेक्सटाइल की भी एक अलग जो है उसे एक सूत्र कहा गया है। जैसे कर्तव्य पथ पे आपको एक सूत्र के अंदर देश बंधा हुआ नजर आता है, वैसे ही कर्तव्य पथ के ऊपर इस बार साड़ियों की भी एक विशेष प्रदर्शनी जो है वो देखने को मिलेगी और वो एक बड़ा सुंदर सा बैकग्राउंड भी बनाएगी। दीपक जी, मेरे को मोदी जी की एक बात हमेशा याद आती है, वो हमेशा मुझे कहा करते थे और अभी भी जब भी मिलता हूँ तो एक आध बार इंटरव्यू में कह देते हैं, बोले गुजराती हूँ धंधा जानता हूँ। तो धंधा वो जानते हैं कि किसको कहाँ कैसे शोकेस करना है, चाहे वो देश के आन बान शान की बात हो, चाहे वो देश के अनाज की बात हो, चाहे वो देश के सॉफ्ट पावर की बात हो, चाहे वो देश के योगा की बात हो, चाहे वो आयुर्वेद की बात हो, चाहे वो परंपरागत मेडिसिन की बात हो, तो मोदी जी चीजों को बेचना जानते हैं। देखिए मिलेट कौन खाता था, लेकिन आज मिलेट पूरी दुनिया में उसकी मांग बढ़ रही है। हम सबसे ज्यादा मिलेट एक्सपोर्ट करने लगेंगे अगले कुछ सालों में।